Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut के थाना कोतवाली क्षेत्र के गुदली बाजार स्थित एक मकान में खेल रहे बच्चों पर घर का छज्जा आ गिरा, जिसमें 12 वर्षीय नाजिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो बच्चे आयत और हमजा घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह मकान लगभग 100 साल पुराना है। मकान के नीचे से दोपहर को तीनों बच्चे दुकान से चॉकलेट लेने जा रहे थे, तभी अचानक छज्जा गिर गया। बच्चे छज्जे के नीचे दब गए, जिसे देख मौके पर ही भारी भीड़ लग गई। आसपास के लोगों ने फौरन मलबा हटाकर बच्चों को निकाला, जिसमें नाजिया की तो मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हमजा का सर फटने के साथ पैर में भी चोटें आई हैं, जिसके चलते परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नजर डालिए मौके की कुछ तस्वीरों। इस मामले में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने यह जानकारी दी। सर, घटना का कोतवाली क्षेत्र में क्या पूरा मामला है, बता दीजिए। हमारे पास कुछ परिजन और रास्ते चलते युवक जो है दो बच्चों को लेकर आए थे। एक लड़की थी जिसका नाम नाजिया बताया गया, वो मृत अवस्था में थी, उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक लड़का था हमजा, उसके काफ़ी गंभीर चोटें थी। हमने उसका प्राथमिक उपचार किया, मेडिकल किया और मेडिकल कॉलेज रेफर किया आगे के इलाज के लिए। ये कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह बताया। सर, एक हादसा हुआ है छज्जा गिरने से, कितने बच्चे घायल हैं और कितनों की मौत हुई है? भैया थोड़ा पीछे जाओ। कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार क्षेत्र में छज्जा गिरने से बच्चे घायल हुए, जिसमें दो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। एक लड़की थी तकरीबन उम्र 12 साल, जिसकी मौत हो गई है। अन्य विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो भी लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। तो किसका मकान था, कुछ पता चला? हाजी अनवार हैं, इनका मकान है और वहाँ भी पूछताछ की जाएगी कि किन परिस्थितियों में मकान गिरा, कैसे गिरा, तो जो भी विधि कार्रवाई होगी होगी। सर, क्या क्षेत्र की जर्जर बिल्डिंगों पर भी पुलिस ध्यान दे रही है? ये इस संबंध में हम लोग नगर निगम से पत्राचार भी करेंगे। ये काम नगर निगम क्षेत्र का है, वो देखेंगे जहाँ जर्जर व्यवस्था है, मकान है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।